खबर रुद्रपुर से है, जहां कुमाऊं रेंज डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत दो दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर पुलिस लाइन, एसएसपी ऑफिस और पदनगर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीआईजी ने रुद्रपुर पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उधम सिंह नगर जनपद से लगते हुए यूपी के जनपदीय अधिकारियों संग दो बार बॉर्डर मीटिंग भी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जो टाइमलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी थी, उसमें जो जो चीजें होनी थी वो हमारे द्वारा की जा चुकी है। हमारे द्वारा जो एसएसटी एफएसटी का जो गठन किया जाना था वो किया जा चुका है। एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जानी थी वो हमारे द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। जो क्रिटिकल पुलिस पोलिंग स्टेशन हैं उनका सिलेक्शन किया जा चुका है। पैरामिलिट्री की अभी 10 कंपनियां हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि पूरे रेंज में हैं, जिनमें से 3 लोकसभा नगर में भी दी गई हैं, जिनके द्वारा एरिया डोमिनेशन और स्थान स्थान पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि जो वोटर्स हैं उनके मन में कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। संहिता घोषित हो जाएगी। हमने कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जिनका राउंड द क्लॉक 24 घंटे हमारी चेकिंग शुरू हो जाएगी। करीब 57 स्थानों पर उधम सिंह नगर के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिनसे कि आने जाने वाले असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट 107-16, ये सारी कार्रवाइयों की हमने पूरी होमवर्क कर ली है। जैसे ही ये घोषित होती है आचार संहिता, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी शुरुआत बेसिकली जसपुर क्षेत्र से हुई थी, जहाँ से ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग लोगों को ब्याज देने के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, और जितना उनको ब्याज दिया जाता है या पैसा उधार पर दिया जाता है उस पर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनसे वसूला जाता है, और कई लोग इसके कारण बर्बाद से भी हो गए हैं। इसको लेकर शासन ने एक SIT का गठन किया है मेरी अध्यक्षता में, जिसमें 4 सदस्य हैं, जिसमें एक हमारे एडिशनल SP मोहतिया भी हैं और 3 लोग और हैं। तो इस प्रकार की जो भी सूचनाएँ या घटनाएँ सामने आ रही हैं उनको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और इसमें मुकदमा कायम करके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।